Assalamualaikum, उम्मीद है सब खैरत से होंगे। Hope you guys doing well। रमजान करीब, उम्मीद है कि आप सबका रमजान, आप सबके रोजे खैर और बरकत से गुजर रहे होंगे और उम्मीद है कि सब लोग रमजान से खूब मजे उठा रहे होंगे। तो मेरे भाइयों, आज का सीन कुछ इस तरह है कि हम लोग आए हुए हैं प्याली रेस्टोरेंट जो कि हयातबाद है और यहाँ पर इन्होंने इफ्तार बुफे स्टार्ट की हुई है। सो मैंने सोचा कि क्यों ना इनकी इफ्तार बुफे भी ट्राई की जाए और आप लोगों को रिव्यू भी दी जाए। सबसे पहले हम लोग अंदर जाते हैं, आप लोगों को प्याली रेस्टोरेंट का एम्बियंस दिखाते है और फिर यहाँ का फूड चख के बताते है कि यहाँ का टेस्ट कैसा है। साथ मौजूद है हमारा बिलाल, द वन एंड ओनली बिलाल, क्यूट बिलाल, बिलाल बड़ा बिलाल, छोटा नहीं। और हाँ, दूसरा जो है हमारे पास हाजी सूफी साहब, हाजी साहब, अमीर साहब, अदनान उसामा। अच्छा, पिछली बार मैंने आप लोग को अदनान उसामा दिखाया था तो ये काफी परहेजगार बन गया था, ये तजवीद में बातें कर रहा था। बट इस दफा जो है अदनान उसामा बिल्कुल बिगड़ गया है, जो इसकी पिछली वाली आदत थी ये दोबारा इसने शुरू कर दी है। तो अदनान उसामा मेरी जान, रमजान है, थोड़ा कंट्रोल किया करो। मस्जिद का अस्कार कर रहे हैं अल्हम्दुलिल्लाह। अच्छा ये बताओ, एंबियंस आप लोगों को कैसा लग रहा है यहां का? यार बहुत ज्यादा जबरदस्त एनवायरनमेंट। ऑनेस्ट रिव्यूज, ऑनेस्ट रिव्यूज। अच्छा, ऑनेस्ट रिव्यूज ये है कि एनवायरनमेंट लोगों ने अच्छा बनाया हुआ है और अभी आगे जाके टेस्ट हमने भी किया नहीं है कि क्या मतलब जबरदस्त। क्या बिलाल खान, तुम कैसे हो, क्यों खफा हो? यार खफा तो नहीं हूँ यार, इतने फ्रेश लग रहे। पता यार, हमारा बिलाल जो है ना वो रोजे नहीं रख रहा, वो सिर्फ हमारे सामने दिखावा करता है, रोजे मोजे ये नहीं रखता, क्योंकि बिलाल से ना भूख बर्दाश्त नहीं होती। यहाँ के डिशेज दिखाता हूँ कि यहाँ के डिशेज में क्या क्या है। सो यल्ला, लेट्स चेक द डिशेज। अच्छा मतलब रमजान के बगैर आप वॉक नहीं करते, रमजान में आप वॉक करना भी शुरू कर दिया? रमजान में भी करता हूँ, वैसे भी करता हूँ। चलो मेरी जान, अपना प्लेट बनाओ, अजान के लिए 5 मिनट रहते हैं। पानी तो ले आना, पहले टेबल कंफर्म करो। मेरी जान, आपके साथ तेम आलम आया हुआ है तो आप टेबल से बेफिक्र रहिए। आपको कौन सा टेबल पसंद है आप मुझे ये बताएं। मैं जो आपको पसंद है वही पसंद है, बोलो। आपको मैं पसंद हूँ, कन्फर्म तो कर लो पहले। तो हमारे प्लेट्स बन चुके हैं और माशाल्लाह से अजान हो चुकी है, अभी हमारा अफ्तारी करने का टाइम है। बिलाल खान, अजान ने लानी इकड़े लक्षा बरो का। ये मौलवी से पहले ही खाना खाना शुरू हो जाता है, इससे सब्र नहीं होता। जब वो मोबाइल में नोटिफिकेशन आ जाते हैं हम कर लेते हैं। ला हौला वला कुव्वत। अच्छा बिलाल जान के एक प्लेट है, ये दूसरा प्लेट है, ये तीसरा प्लेट है। तो बिलाल खान ने अपने लिए तीन तीन प्लेट भरे हुए हैं माशाल्लाह से। शोया शोया थोड़ा सब कुछ शोया शोया। तो भाई हमारे साथ प्लेट में मलाई चिकन विंग्स है, यहाँ पर मलाई बोटी है, यहाँ पर ग्रीन चिकन बोटी है, यहाँ पर हमारे पास बिरयानी है, यहाँ पर बलाओ का बीफ है और यहाँ पर हमारे पास चिकन जलफरेजी है, साथ में कुछ नान है। सो बिस्मिल्लाह करते हैं और देखते हैं कि यहाँ का टेस्ट कैसा है। बिस्मिल्लाह। सो सबसे पहले हम लोग ट्राई करते हैं अपना चिकन 65। इसको बिल्कुल लाल लाल बनाया हुआ है, ऐसा लग रहा है जैसे कच्चा बीफ है मेरे पास। अच्छा इतना सामान भी दिया है, तुम भी लग रहे हो वादा लिखा है, तुम्हारा वाला मुड़ा हुआ है। थैंक यू, थैंक यू मेरी जान। अच्छा सीख कबाब हमसे रह गया था, तो हमारा अदनान उसामा और बिलाल खान हमारे लिए सीख कबाब लेकर आए। थैंक यू गाइस, माने ना। अच्छा अक्सर लोग मुझे कहते हैं कि तुम बिलाल को बिलाल क्यों कहते हो, तो ये आप दो देख सकते हो, उसको अगर मैं बिलाल कहूँ तो वो बेहरमत ही होगी। डॉक्टर बिलाल, ये हमारा बिलाल है, क्या है बिलाल, डॉक्टर बिलाल।
फाइनल में आता है हमारा मलाई बोटी। मलाई बोटी बिलाल ने मेरे इसके साथ एक वीडियो बना ली है, उंगली उठी है हमारी। बिलाल खान ने कहा कि मेरी जान वीडियो तो अभी तक स्टार्ट ही नहीं हुई, तो इस कैमरामैन को हम लोग फारिग करते हैं, नए कैमरामैन को हम लोग भेजते हैं। ये देखिए हमारी मलाई बोटी। अच्छा, इन सब के मेन्यू, इनके मेन्यू में ना सबसे ज़्यादा अच्छा जो मुझे लगा वो इनकी मलाई बोटी है। माशाल्लाह तबारकल, बिल्कुल गरम गरम सर्व किया जा रहा है। और ये देखिए कितना जूसी है, चेक दिस आउट, क्लियर था सीख कबाब यहाँ का तबाही है। माशाल्लाह सीख कबाब इज़ अमेजिंग, काफ़ी ज़बरदस्त है। बाकी यहाँ की जो बिरयानी है इट्स नॉर्मल, इट्स माइल्ड, मतलब बिरयानी के नाम पे पुलाव मिल रहा है। नो स्पाइसेस बिल्कुल कम थे, ना बिरयानी की फील आ रही थी, बट मे बी इफ्तार की वजह से इन्होंने स्पाइसेस का लेवल कम रखा हुआ है। बाकी जो यहाँ की मलाई बोटी थी इट्स अमेजिंग, माशाल्लाह काफ़ी ज़बरदस्त था, एक्सट्रीमली जूसी और एक्सट्रीमली फ्लेवरफुल। यहाँ का चिकन 65 है, इट्स अमेजिंग माशाल्लाह। इसमें ना चीटोस का फ्लेवर मुझे आ रहा है, ऐसा लग रहा है जैसे चीटोस के स्पाइसेस को ना लेकर इस चिकन के ऊपर मला हुआ है और उसको पकाया हुआ है। सो इट्स गुड, थोड़ा सा मीठा फ्लेवर उसमें आ रहा है, बट आई एम काइंड ऑफ लाइकिंग इट। रेट जो है यहाँ का 2070 रुपये पे आपको इतने सारे चीज़ें मिल रहे हैं, इतने सारे पकवान मिल रहे हैं और इतने मज़ेदार एम्बियंस में मिल रहा है, सो इट्स गुड। डिज़र्ट्स में भी हमारे पास काफ़ी पोर्शंस, काफ़ी ऑप्शंस मौजूद है, बट मेरी जान मैं नो शुगर डाइट पे हूँ, तो शुगर मैं सिर्फ फ्राइडे के दिन खाता हूँ। आप हमें टेस्ट करके बताओ कि कैसा है। हाँ बस डायरे के ऊपर से गुता था खुशी गई यार, ये सब कहते कहते हैं मालूम, बस जैसे ही मुंह के अंदर नवाला डालता है डायरेक्ट की उंगली उठाता है। तो मेरी जान इसमें एडिटिंग होती है, चखना होता है। मैं कोई नवाला लेता हूँ, उसको मैं खाता हूँ, वीडियो को स्टॉप करता हूँ, वीडियो में फिर जो गलती आती है वो मैं काट देता हूँ, इसने के बाद फिर उंगली उठती है। हर एक चीज़ के पीछे उंगली नहीं उठती। और हाँ, जो चीज़ मुझे पसंद नहीं आती वो मैं अक्सर कैमरे में शो नहीं करता, बट जो चीज़ मुझे दोबारा पसंद आए, मतलब एक दफ़ा मैं उनको बता दूं और वो दोबारा वही चीज़ ख़राब आ जाए, तो फिर मैं आप लोगों को दिखाना ज़रूरी समझता हूं। तो भाई ये आप लोग देख सकते हो, ये प्याली रेस्टोरेंट का आउटडोर जगह है, ओपन रूफ। सो ये देखिए, आप इंडोर के साथ साथ आउटडोर भी इंजॉय कर सकते हैं, और इन्होंने पूरी ग्रीनरी की हुई है। सामने जो है हमारे पास प्याली रेस्टोरेंट का मोनोग्राम भी है, यहाँ पर आप लाइव किचन भी इंजॉय कर सकते हैं, लाइव बारबेक्यू, लाइव कुकिंग हो रही होती है, और अंदर जो है अंदर बूफे चल रही होती है, अगर आप चाहते हैं तो आप बाहर भी डाइन इन कर सकते हैं। अफ्तार बूफे के बाद हम यहाँ पर हमारा फोटो सेशन चल रहा है। हकीकत में ये जैसे ऐसे देखते हैं अदनान उसामा, और फिर एडिटिंग वगैरह करके ना मोबाइल की तरह देखते हैं। अल्लाह इसमें तो दिल दिल भी आ गए। ये देखो ऊपर देखो क्या क्या आ रहा है, मैसेजेस किस किस के आ रहे हैं, जड़ गया। हमारे दोस्त अदनान उसामा ने नंबर को लड़के के नाम से सेव किया हुआ है, और लड़के ऐसे दिले भेज रहा है, हार्ट्स भेज रहा है। तो जान ये क्या माज रहा है, और रमजान करीम। सो भाई ये था हमारा प्याली रेस्टोरेंट के अफ्तार बुफे का रिव्यू। उम्मीद है आप सबको मजा आया होगा। आप लोग आ सकते हो यहाँ अपनी फैमिली के साथ, अपने फ्रेंड्स के साथ, और इंजॉय कर सकते हो 2070 रुपए में ये बुफे। सो आज का ब्लॉग इतना ही था, उम्मीद है आप सबको मजा आया होगा। थैंक यू सो मच फॉर वॉचिंग, होप यू एंजॉयड द ब्लॉग। डोंट फॉरगेट टू लाइक, शेयर एंड सब्सक्राइब।